आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अम्बेडकर नगर के शहर अकबरपुर के मोहल्ला अब्दुल्लापुर में, और हमारी आप देख सकते हैं पीछे ये खानकाह आलिया हज़रत शाह महबूब औलिया हज़रत शाह महबूब हुसैन सोहेल रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने आलिया को नज़र आ रहा है। इनका 26वां उर्स मुबारक जो सालाना उर्स मनाया जाता है वो बड़ी तो उसको एहतिशाम से मनाया गया। 28 तारीख को शुरुआत हुई सवेरे मिलाद पाक के बाद से, और अब आज यहाँ पर कुल शरीफ के बाद इस प्रोग्राम का, इस 3 रोज़ा उर्स शरीफ की तकरीबात का इख्तिताम हुआ। बता दें कि पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल जारी है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की हुई है, उसी गाइडलाइन के तहत खानकाह आलिया के ज़िम्मेदारान ने, हुजूर साहिब सज्जादा ने तमाम महफिल को तरतीब दिया था, उसी के तहत तमाम तकारीब मनाई गई हैं। कौन कौन सी तकरीब यहाँ मनाई जाती है वो आपके सामने तमाम विजुअल एक के बाद दिगरे पेश करेंगे। यहाँ पर बता दें कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून शहर सऊदी अरब से भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। और चूंकि बहुत ही साहिब तस्नीफ़ बुजुर्ग गुजरे हैं हज़रत शाह महबूब हसन सोहेल कुद्दस सिरहू, बहुत ही साहिब तस्नीफ़ बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत ही पाए के वली कामिल हैं, सिलसिले कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया से इनकी नस्बत है। और इनके जो वालिद मोहतरम शेख व शेख हज़रत सैयदना सैयदना शाह मोहम्मद यूनुस नवल्ला मरकदों का ये आस्थाने आलिया आपको नज़र आ रहा होगा, अपने वक्त के बहुत ही पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके साहबजादे, उन्हीं के सयातिफत में आपने तमाम जो भी उलूम दुनियावी और दीनी थे वो सब हासिल किए थे। तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस वीडियो में पेश करेंगे, हम कुछ ज़ाहिरीन से ही बात करेंगे ताकि आप तक ये मालूमात पहुँच सके कि यहाँ से किन किन फैज़ात बरकात का यहाँ से चश्मा यहाँ से फूटता है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खाकसार अबुल फ़ायक मसूद खादिम आस्थाने आलिया यूनुसिया महबूबिया अब्दुल्लापुर अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर सुबह यूपी, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो मशरक़ यूपी की एक यादगार जगह है, इस लिहाज से कि बग़ैर तफरीक व मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ आते हैं, हर तबके के लोग, हर मसलक के लोग, हर मज़हब के लोग, कोई तफरीक नहीं। यहाँ हज़रत शाह मोहम्मद यूनुस रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने आलिया पर उनके फ़र्जंद व जानशीन हज़रत शाह महबूब हसन सोहेल रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने आलिया पर यहाँ के साहिब सज्जादा हज़रत शाह इरफान अहमद साहब क़िबला नहायत मुत्तकी व परहेज़गार फ़ी ज़माना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में तो शायद ही ऐसी कोई शख्सियत हो, उनकी सरपरस्ती में यहाँ 3 रोज़ा उर्स महबूबी के नाम से जो हज़रत शाह महबूब हसन सोहेल रहमतुल्लाह ताला अलैह का 26वां उर्स है वो मुनक्किद हुआ। चूँकि करोना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, उसको लिहाज में रखते हुए सामने रखते हुए बहुत इख्तसार के साथ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जो लोग भी इसमें शरीक हुए वो कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर अमल दरामद कर रहे थे। 3 रोज़ा तकरीबात में कुरान खानी, महफिल मीलाद पाक, नशिश्त नात व मनकबत, नशिश्त नात व मनकबत, महफिल कव्वाली, महफिल समा जो बुज़ुर्गों के यहाँ राइज है, आम महफिल कव्वाली नहीं, वो मुनक्किद हुई रूहानी तरीक़े से, जिसमें चाहने वालों की तादाद अब की चूँकि हालात ऐसे हैं इसलिए कम तादाद में लोग आए, लेकिन बम्बई, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पटना, लखनऊ, फैज़ाबाद वगैरह वगैरह जो एक दो हज़रात बैरून मुल्क सऊदी से भी तशरीफ़ लाए, हम आने वाले तमाम ज़ायरीन का इस्तकबाल करते हैं अपनी जानिब से, इस आस्थाने आलिया की जानिब से और सज्जादा नशीन हज़रत शाह महबूब हसन सोहेल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब से। इस आस्थाने की ये पैगाम है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये उर्स की तकरीबात का खत्म हुआ है? जी हाँ, आज कुल शरीफ की रस्म अदा हो गई। जानते हैं कि आप बुज़ुर्गों के बारगाहों में जो उर्स होता है कुल एक ख़ास तकरीब होती है, बहुत सी जगह दरमियान में होता है, लेकिन हमारे यहाँ आस्थाने आलिया पर आखिरी दिन कुल मुनक्किद होता है। बाद नमाज जहर कुल की तकरीब मुनक्किद हुई साहिब सज्जादा की सरपरस्ती में, दुआ के साथ अमन आश्ती पैगाम के साथ, उनके अमन आश्ती के पैगाम के साथ और जितने लोग हाजिर थे उनके लिए और मुल्क के लिए कि यहाँ हमारे मुल्क में अमन आश्ती रहे और हाजरीन पर परवरदिगार अपना करम फरमाए। मुकामी इंतज़ामिया का बहुत मशकूर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, HDM अकबरपुर सदर कोतवाल अकबरपुर और दो मुकामी चौकी जो शहजादपुर है उसके ज़िम्मेदारान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ जिनका ताउन मेरे साथ रहा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
बताएं आप, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और यहाँ से कैसे आपका रिश्ता है? जी, मेरा नाम मंसूर अहमद महबूब यूनुसी है। मेरा इस दर पाक से ताल्लुक़ है, यहाँ से नस्बत है मेरी। और बाकायदा मैं जब भी सफ़र करता हूँ सऊदी अरब से, तो इस उस शरीफ के अय्याम में मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा ताल्लुक बम्बई से है, लेकिन मैं हाजिर होने यहाँ ज़ियारत के अपने पीर मुर्शिद अहमदुल्लाह दार के उर्स मनाने के लिए बाकायदगी से आने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी, मुझे तकरीबन 27 साल का अरसा गुजर गया है। बहुत ही साहिब करामत और साहिब तस्नीम बुजुर्ग हैं। जी बेशक, जी बेशक, जी जी बिल्कुल बेशक। हमारे आने हम लोगों की यहाँ इस दर पाक से जो जब से नस्बत हुई है, हमारी दीन और दुनिया दोनों संवर गई है। नाम क्या, आप कहाँ से हैं? मैं बम्बई से आया। मेरा नाम मंजूर अहमद शेख है। तो आप यहाँ से 10 गिरफ्तार हैं, यहाँ से मुरीद हैं? आप यहाँ हैं मुरीद हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? 25-26 साल से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी फैज़ हासिल हुआ आपको, दुनियावी दीन दोनों फैज़ हासिल। दोनों मेरा नाम सोहलीन है, हम अम्बेडकर नगर प्यारेपुर से आए हैं। बाराबंकी? नहीं नहीं, प्यारेपुर, अन्नावा, अन्नावा प्यारेपुर से। हमारे पापा का नाम कुतुबुद्दीन, वहाँ के प्रधान हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए? फरीद अहमद, हम लखनऊ से तशरीफ लाए। तो हर साल आते हैं? जी। और बुजुर्गों के आस्था मतलब अकीदत बहुत माशाल्लाह, आपको औलिया कराम से मोहब्बत है। आप यहाँ से मुरीद हैं? जी। आप कहाँ से तशरीफ लाए? बिलाल अहमद, हम यहाँ के सरकारी कव्वाल हैं और हम 40 साल से लगभग आ रहे हैं। जलालपुर से आते हैं? जलालपुर से आते हैं। काफ़ी फैज़ हासिल हुआ? हाँ, हमको काफ़ी फैज़ हासिल हुआ है और हमको इसी दरगाह से बहुत सी दरगाह पे जो है जाना होता है कव्वाली करने। हाँ, कहाँ से तशरीफ लाए? नाम मोहम्मद अरशद है, जलालपुर अम्बेडकर नगर से। तो आप यहाँ के सरकारी कव्वाल हैं? जी हाँ। तो बुजुर्गों को आपने देखा भी, उनका फैज़ हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप उसके मौके पर? उस मौके पर पैगाम यही है कि बस जैसे चल रहा है मामला। कहाँ से तशरीफ आई हो? जी मैं देवा शरीफ से हूँ, शाहवेज़ वारसी कव्वाल देवा शरीफ से हूँ। मेरा नाम शाहवेज़ वारसी है। तो आप यहाँ बरसा बरस से आते हैं? जी मैं 10 साल की उम्र से यहाँ लगातार ड्यूटी दे रहा हूँ हुज़ूर की खिदमत में। मैं हर साल से आ रहा हूँ यहाँ 10 साल से। दीनी और दुनियावी फैज़ हासिल हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बेइंतहा शुक्र है, फैज़ान है ये बहुत ही। मेरे वालिद भी खिदमत करते चले आ रहे हैं और मुबीन वारसी साहब मेरे वालिद भी खिदमत करते हुए चले आ रहे हैं। मेरे अजदाद यहाँ खिदमत करते हैं। कहाँ से आए? पटना से आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। तो मतलब साला साल से आप यहाँ पे हाजिरी आपकी होती है, फैज़ मिलता है और यहाँ से आपको फैज़ हासिल हो रहा है। बुजुर्गों का आस्थाना है, बहुत ही मशहूर हस्तियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से तशरीफ लाए? वेस्ट बंगाल से। आप वेस्ट बंगाल से हैं? जी। आप ये मकामी हैं? जी सर, हम यहाँ के मकामी हैं। तो यहाँ तो अतराबो जवानी में हमने देखा है कि दीगर मजहब के लोग बड़ी तादाद में शामिल हाजिर होते हैं। जी जी। और अपना जो पेशानी अदब झुकाते हैं, जी जी, मन्नतें मांगते हैं और जी, जी। सुना गया है कि मन्नतें पूरी होती हैं। जी पूरी होती है। मैं समझ लीजिए मैं गवाह हूँ और खुद मैं जब से यहाँ आने लगा हूँ मेरी ज़िंदगी सुधर गई और मैं इस मकाम पे हूँ कि आज अकबरपुर में सब मुझको गुड्डू नेता के नाम से जानते हैं।
नाज़रीन, ये लंगर खाना है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ज़ायरीन यहाँ शरीक होते हैं या जो मुरीदैन आते हैं उनकी ज़ियाफ़त ही बहुत अच्छे अंदाज़ में यहाँ की जाती है। सारा इंतज़ाम खानकाह की जानिब से ही होता है और यहाँ पर दोनों वक्त खाने के साथ साथ दोनों वक्त का नाश्ता, ये सब सारा अहतमाम खानकाह आलिया की जानिब से ही होता है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस लंगर खाने में आप देख रहे हैं कि लोग बड़े सुकून से दोपहर का खाना खा रहे हैं, तबरुक खा रहे हैं, नियाज़ खा रहे हैं। और ये लंगर खाना बरसा बरस से कायम है जब से आस्थान आलिया यहाँ पर हज़रत शाह मोहम्मद यूनुस नौला मकदव वाला मकामहू का बना, और उससे पहले भी जो तकारीब होती थी लेकिन जब से उनकी उसकी शुरुआत हुई तो ये लंगर खाना वजूद में आया। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक उर्स जारी रहता है इस लंगर खाने में जो लोग शरीक होते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंदान आते हैं, मुतसरीन आते हैं और अतराफ शहर के जो लोग शरीक होते हैं सबको यहाँ पर खाने का अहतमाम खानकाह आलिया की जानिब से होता है, जो बहुत ही यहाँ पर शानदार ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं सभी लोगों को और लोग बहुत ही खुशदिली से इस तबरुक को खाने की ख्वाहिशमंद होते हैं और लोग कोशिश भी करते हैं कि ज़रूर यहाँ से तबरुक खा कर जाएँ। ये वीज़न हम आपके लिए पेश कर रहे हैं।